फ्रेंड्स, आज हम आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए उसके लिए देखते हैं। आज टिक्की बनाने के लिए मैंने 1 किलो तो आलू लिया है और मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, ये मैंने इसके ये बना लिए हैं। ब्रेड पड़े थे मेरे पास वेस्ट, इसको मैंने ब्रेड को मिक्सी में पीस के इसके क्रम्स बना लिए हैं। इससे क्या है कि मुझे ना तो अरारोट की यूज पड़ेगा और ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाना पड़ेगा, मेरा इससे ही काम चल जाएगा। और इससे जो हमारी टिक्की है वो बहुत ही कुरकुरी भी बनती है। और थोड़ी सी मैंने चने की दाल, थोड़ी सी मैंने मटर और ये धनिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम अपने आलूओं को इस कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे इनको। इस तरह से आप पतली या मोटी किसी भी तरफ से इसको ले सकते हैं। इनको आलूओं को हम पहले कद्दूकस कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल महीन हो जाए, क्योंकि अगर मैं इनको ऐसे ही फोड़ूंगी तो इसमें हो सकता है कि कोई आलू मोटा रह जाए, तो उससे जो है इसको तलने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम इनको पहले कद्दूकस कर दें। ये इवनिंग स्नैक्स में भी बहुत पसंद करते हैं हम सब, और स्ट्रीट फूड में भी। तो ये हम घर में ही मिनटों में ही अपने घर में हम बना सकते हैं। जो हमारे ब्रेड थे वो हमारे वेस्ट थे, मैंने उसको भी यूज कर लिया। इससे हमें आरारोट, कॉर्नफ्लोर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपने सारे के सारे आलू कद्दूकस कर लिए थे। अब मैं इसमें सबसे पहले क्या डालूंगी, मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मैंने हींग डाला है। मेरा 1 किलो का अमाउंट है इसका, आलूओं का, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूं, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा भर के चम्मच मैं चाट मसाला डाल रही हूं इसमें, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने चने की दाल डाल दी है, थोड़े से मैंने मटर डाल दिया है इसके अंदर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और इससे हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। फ्रेंड्स अब ये देखिए, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे, अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इस तरीके से हम इसको गूंथना शुरू कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेंगे क्योंकि इसमें हाथ जो है वो हमारे चिपचिपे हो जाते हैं, तो अपने हम हथेली पर थोड़ा सा अगर तेल लगा लेते हैं तो ये चिपचिपा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही गूंथ रही हूं। अभी थोड़ा सा इसमें हम ऑयल भी लगा लेंगे। कितनी बार आलू जो है वो ज्यादा, 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूं, इससे चिकनापन थोड़ा सा आ जाता है इसमें। अब देखिए बहुत आसानी से ये हमारा डो इसका तैयार हो गया है। ये देखिए, अब ये हमारा डो इसका बनके बिल्कुल तैयार हो गया। इसको हमें रेस्ट की भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे तो हम इसको हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसकी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी हथेली पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें से ये इस तरह से पिट्ठी ले रही हूं इसकी, और इसको हम यहाँ पर ऐसे हथेली में रख देंगे और इसको इस तरह से हम गोले की शेप में बना लेंगे जिस आकार में हमारी टिक्की होती है। ये देखिए, ये इस तरह से, अब ये हमारी इस तरह से टिक्की बन गई है, ये देखिए। और कितनी बार क्या होता है कि हम सब पिट्ठी तो बना लेते हैं लेकिन इसके अंदर स्टफिंग नहीं भरते हैं,
तो स्टफिंग भरने के लिए हमें उसको पहले हाथ में लेना पड़ता है, फिर उसमें छेद करो, फिर उसमें स्टफिंग भरो। तो मैंने क्या किया, मैंने साथ के साथ ही इसमें अपनी स्टफिंग यानी कि चने की दाल है, मटर है, ये सब मैंने इसमें हाथ के हाथ ही डाल लिया है। अब बस मुझे इसकी पेड़ी बनाने की जरूरत है। ये देखिए, ये मेरी टिक्की भी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और अब मेरा ऑयल गरम भी हो गया है। हमें थोड़ा तेज ही रखना है इसको ऑयल को। अगर हम ऑयल को हल्का गरम रखेंगे तो हो सकता है कि हम जब इसमें टिक्की डालेंगे तो वो हमारी फट जाए, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर इसका सही है तो वो फटेगी नहीं। अब देखिए हम एक एक करके अपनी टिक्की इसमें डाल रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें अपनी ये जो टिक्की थी वो डाल दी है। अभी मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगी, अगर मैं टच करूंगी तो इसमें आलू जो है वो बिखर जाएंगे। जब एक तरफ से ये पूरा सिक जाए, गोल्डन हो जाए, तब हम इसको पलटेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखना कि जब तक गोल्डन ना हो और ये बबल्स ना हटे, जब तक हमें इनको छूना नहीं है, नहीं तो आलू जो है वो बीच में ही टूट जाएगा। देखते रहिए, देखिए ये देखिए अब मेरी जो टिक्की है ये ब्राउन होनी शुरू हो गई, मुझे दिखाई दे रही थी, देखिए ये देखिए ब्राउन हो गई ना। अब मैंने इसको फ्लिप किया है, नहीं तो हमें इतनी देर अपनी कढ़ाई को छूना नहीं है, नहीं तो ये जो हमारे आलू की जो टिक्की थी वो टूट सकती थी। तो ये सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि जब हम अपनी टिक्की बना रहे हैं तो जब तक वो नीचे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं होती है, हमें अपनी टिक्की को छूना नहीं है। अब देखिए ये बिना किसी चीज के एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ना तो कहीं से टूटेगी ना कुछ होगा। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी टिक्की देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ना तो कहीं से टूटी है और ना कुछ हुआ है। अब हम इसको एक बाय एक करके इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कोई सी भी देख लो, एक भी टिक्की हमारी ना तो टूटी है ना ही बीच में से फटी है। इसका सबसे बड़ा यही इसकी ट्रिक होती है कि टिक्की आप डाल दीजिए और उसको बिल्कुल छूना नहीं है। जब वो अब देखिए ये मैं अपना थोड़ा सा मेरी जो ऑयल था वो कम गर्म था, अब मैंने इसको फुल खोल लिया है फिर से। अब मैं फिर से अपनी टिक्कियां इसमें डाल रही हूं और डालने के बाद फ्रेंड्स मैं इनको बिल्कुल नहीं छूंगी जब तक कि ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं होती हैं। अगर मैं इनको इसी कच्चे में ही इन पे मैं कड़छी मार दूंगी या इनको पलट दूंगी, इनको फ्लिप कर दूंगी तो ये टूट सकती हैं। इसीलिए जब तक इन पे बबल्स आ रहे हैं और ये कच्ची हैं, मैं देखिए बिल्कुल इनको टच भी नहीं करूंगी, केवल कढ़ाई में ही पक रही हैं। आप कटलेट बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि आपको इनको छूना नहीं है जब तक ये आपको ब्राउन कलर की ना दिखे। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे को एक मिनट तो हो ही गई है इसमें डाले हुए, मैंने अभी तक टच नहीं किया है इन टिक्कियों को अभी, क्योंकि मैंने इनका गोल्डन ब्राउन कलर मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी तक भी, बबल्स भी आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी तक इनको नहीं छू रही हूं। जब मुझे गोल्डन ब्राउन दिखाई दे जाएगा मैं अपने आप इनको फ्लिप कर दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए अभी मेरी जो टिक्की है थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई है, अब हम इनको फ्लिप करेंगे और वो भी बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, तेज तेज कड़छियां नहीं मारनी है इनमें, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इनको फ्लिप कर सकते हैं हम। ये देखिए और अपनी कढ़ाई में उतना ही टिक्की डालें जितने की जगह हो, जितने फूलने की जगह हो, ये नहीं कि आपकी कढ़ाई में आ रही है पांच और आपने डाल दिए सात, तो उसमें कड़छी चलाने में फिर दिक्कत होती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, उससे ये टूट जाती हैं। तो थोड़ी सी हमें अपनी कढ़ाई में स्पेस छोड़ देनी चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है, अभी दोबारा से सिक रही है दूसरी तरफ से भी, और इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं तो इसलिए हमें कुरकुरे का भी कोई इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट कुरकुरी भी बनेंगी ये।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी टिक्की का कलर देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कहीं से ना टूटी है ना बिखरी है, कुछ नहीं हुआ और हमने कुछ करा भी नहीं, केवल कढ़ाई में डाल दिया हमने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिक्की बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।